उदित राज जी ने कहा कांग्रेस पार्टी से तो है ही, पर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 30 साल पढ़ाया और मैं टीचर के नाते भी महसूस करती हूँ और पढ़ा भी वहीं, तो एक स्टूडेंट के नाते एक अजीब सी हम लोग जो समझ सकते हैं वो दर्द। दोस्तों आपको सलाम करती हूँ कि आपने सारे हिंदुस्तान को इकट्ठा कर दिया, हर शहर में जुलूस निकल रहा है, हर शहर में संघर्ष हो रहा है और अगर आप देखेंगे तो ये इंग्लैंड में शुरू हो गया है, कनाडा में शुरू हो गया है, ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रहा है और वो कह रहे हैं मजाक उड़ा रहे हैं हाइडी मोदी वेयर आर यू। तो जो उनके गुण गा रहे थे जब वो विजिट करते हैं वहाँ भी किराए पे लाए होते हैं लोग, विश्वास करो हर शहर से चुने जाते हैं कि वहाँ पे कोई गलत सवाल तो नहीं पूछा जाएगा, उनको नहीं आने देते हैं ये विदेश में भी अपनी मीटिंग्स में, इसका पूरा रिकॉर्ड है। और तो ये कसूर इनका नहीं है, जैसे उदित राज जी हमारे बहुत से स्पीकर्स ने कहा इन्होंने शाखा में ही सिर्फ ये लोग गए हैं, पढ़ाई नहीं की, ये क्या जानते हैं, ये आपसे ईर्ष्या करते हैं, ये कौन से बुद्धिजीवी आ गए हमको सिखाने के लिए। अब अगर आप शाखा की पूरी परंपरा देखें तो वो लाठी चलाना ही सिखाते हैं, गाली देना ही सिखाते हैं। और मैं बहुत खुल के बोलूंगी, वो जो बलराज साली की फिल्म थी गर्म हवा, उसमें क्यों नहीं इन्होंने चैलेंज करा जब उन्होंने दिखाया कि शाखा में क्या सिखाया जाता है और कैसे जुल्म करना सिखाया जाता है। आज तक उस पर प्रश्न नहीं उठ सका क्योंकि वो सच्ची गवाही थी। इसलिए जो लड़ाई है वो आपकी हमारी सोच की, इनकी सोच से भी लड़ाई है और ये सोच ही हिंदुस्तान को जिंदा रखेगी। इसलिए हर पल हम आपके साथ हैं, हर नारे के साथ हैं और कभी कभी स्टूडेंट जब आगे बढ़ जाता है तो सचमुच टीचर्स पीछे लग जाते हैं। और यहाँ पर तो आप देखिए कि आपके किस तरह के नोबेल प्राइज विनर्स इस JNU ने निकाले। और इसके अलावा जो यहाँ की पढ़ाई का स्तर और उसका मैं लंबा चर्चा नहीं करना चाहती, वो सब जानते हैं। और इसी तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाल, इसी तरह से पैसे रोकने का, फीस बढ़ाने का वह हाल और जामिया का जो हाल आपके जैसे मिलता जुलता हाल, या एक बात नहीं हुई, सलाम देती हूँ शाही बात की उन महिलाओं को जो आज 25वां दिन से सर्दी में गर्मी में लगातार बैठी हैं। हमारी वो माताएं बहने 90 साल की औरतें इंटरव्यू दे रही हैं झुरियों से भरा पड़ा मुंह, वो क्या दर्द है जो लेके आए हैं। जामिया का पास में जब उनके पड़ा है, उनका जो हाल है लाइब्रेरी में घुस के और बाकी सारा सबको मालूम है, तो मैं जब वहाँ जाती हूँ तो मैं उनसे इंस्पिरेशन लेने जाती हूँ कि हम ऐसा बने और हमारा देश ऐसा बने जो इन्होंने कर दिखाया है। और ये अगर मोदी जी का पासा उल्टा हो गया है आसाम में, अब इनको समझ में भी नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो आपने पहले भी कहा नंदिता जी, और हमें बैठू मेरे मन का जो एक लगता है कि आगे क्या होगा, सारे नेशन को बॉयकॉट करना पड़ेगा ये कागज, अब बॉयकॉट की ही आवाज उठानी पड़ेगी। जो फ्रीडम स्ट्रगल में उठाई गई थी विदेशी कपड़े के खिलाफ, आज उठाई जाएगी इस कागज के खिलाफ। और कागज की बात दो बात करके विराम देती हूँ कि मोदी जी अपनी डिग्री के बारे में कभी कहते हैं कि वो हाई स्कूल पास, फिर सोचा इसे तो मेरा ये JNU जामिया वगैरह में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़ी बदनामी होगी, फिर एक जगह कह दिया कि मैं BA पास हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया ये कागज तो दिखाएं। और अपना एक कॉलम जब इलेक्शन में भरना पड़ता है मैरिटल स्टेटस, एक जगह खाली छोड़ दिया, कंफ्यूज हो गए। एक और बार जब इलेक्शन लड़ी तो मैरिट लिख दिया, अगर इनके डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आप हैं क्या, और हमारा तो जो होगा सो होगा, आपका क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा। इसलिए मोदी जी और आपके कुछ साथी और साथिन, उनके क्या क्या डिग्रीज हैं, तो इसलिए हम पीड़ा उठाया है हमने आपके साथ, आपने आगे बढ़े हैं आप और हम आपके पीछे रहेंगे, आपके साथ रहेंगे और ये लड़ाई जीत के रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, JNU
टीयू, तमाम हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटीज और वो तमाम विश्व के लोग जो हमारे साथ हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।